हेलो गाइस, आज हम क्लास 6 वाले बच्चों के लिए लेसन नंबर 10 पहेलिका नामक पाठ से आज समझते हैं पहेलिका। जैसे पहेलियाँ होती हैं ना, उसी तरीके से है। वने वसति को वीरो यो अस्थि मास विवर्जितः। वन्य यानी वन में, वसत यानी बसते हैं, को यानी कौन, वीरो यानी ऐसा कौन सा वीर है जो वन में बसता है, यो अस्थि और हड्डियों और मांस से रहित है, विवर्जित मिस रहित है। असिवत कुरते, असिवत मिस होता है तलवार की भांति, कुरेत कार्यम यानी तलवार की भांति कार्य को करता है। कार्यम कृत्वा वनम गतः यानी कार्य को कर कर वन में चला जाता है, वह कौन है? तो वो कौन है? कुम्हार का धागा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। न तस्यातिह न तस्यांतः मध्ये यह तस्य तिष्ठति। न तस्यादि यानी न, जो न अक्षर है उसके प्रारंभ है, यानी जो न अक्षर है उसके प्रारंभ में भी है और जो न अक्षर उसके अंत में भी है। मध्ये यह तस्य तिष्ठति और उसके मध्य में कौन सा अक्षर है? यह। तवाम्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद्। तुम्हारे पास भी है, ममाप्यस्ति यानी मेरे पास भी है, यदि जानासि यदि जानते हो, तद्वद् तो बताओ क्या है। जैसे कि प्रारंभ में हमारा न और उसके अंत में भी न और बीच में क्या है? यह। तो क्या हो गया? न या न। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक छोड़ा काको यह विल मिच्छन न पन्नगहा, यानी एक आँख वाला है लेकिन कौवा नहीं, यह कौवा नहीं है। विल मिच्छन ने विल की इच्छा रखता है लेकिन सर्प नहीं है। पन्नगहा में सोता सर्प सांप। छीयते यानी घटता है, वर्धते बढ़ता है। चैव न समुद्रो न चंद्रमा, न वो समुद्र है और न चंद्रमा, तो बताइए क्या है? तो वो है सुई धागा, यानी सुई के पास एक आँख होती है और धागा क्या है? घटता बढ़ता है, यानी सिलते हैं तो घटता है ना। अगला देखते हैं। प्रकाशः शीतलः यस्य यह कलाभ्य च वर्धते। यस यानी जिसका प्रकाश शीतल होता है, कलाभ्य च वर्धते और अपनी कलाओं से बढ़ता है। तापम हरत सर्वेशा सारे ताप को हर लेता है। चकोरस्य प्रिय और चकोर का वो प्रिय है सा का, तो बताइए वह कौन है? तो कौन है? वो है चंद्रमा। ओके, अगला देखते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजा, यानी वृक्ष के कहने का मतलब ये है जो वृक्ष के अगले हिस्से पर रहता है, वृक्षग्रासी में सोता है वृक्ष के अगले हिस्से पर रहता है। न च पक्षिराजा लेकिन वो पक्षीराज नहीं है। त्रनेत्रधारी तीन नेत्रों वाला है। नचा शूलपाणि, शूलपाणि में सोता है भगवान शंकर जी, यानी तीन नेत्र वाला है लेकिन भगवान शंकर जी नहीं है। त्वंगवस्त्रधारी यानी छाल, कहने का मतलब ये त्वंगवस्त्रधारी में सोता है छाल वस्त्र वाला, यानी छाल वस्त्र वाला है नच सिद्ध योगी लेकिन वह सिद्धि योगी नहीं है। जलम च विप्रण, जल से भरा हुआ है घटो न मेघ, न वो गढ़ा है न वो बादल है, तो बताइए कौन है? तो
तो वो क्या है? वो है आपका नारियल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।